करते हैं। क्या नाम है चाचा? राजेंद्र मुंडा। राजेंद्र जी आप बताइए कौन सा गांव है? बड़कलमा है। बड़कलमा, आपको अभी तक कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है, खाली राशन मिलता है। अच्छा, राशन मिलता है। तो मुखिया जी से आप नहीं बोलते हैं कि हमको कुछ दिलवाइए, जैसे कि घर हो गया, चापाकल हो गया, ये सब नहीं देते हैं? नहीं मिला है हम लोग को, नहीं नहीं मिला है ना, कुछ तो आखिर किसको मिल रहा है जी? सरकार हर साल करीब 40 से 50 लाख रुपया हर पंचायत को भेज रही है, तो आप लोग को नहीं मिल रहा है, तो किसको मिल रहा है? दूसर को मिलता है। दूसर को मिलता है? हाँ। मुंह देख के देता है का? हाँ हाँ। जैसे कि बड़ा जाति का है, अमीर है, तो उसको दे दिए? हाँ हाँ हाँ, वही सब वही है। हाँ। पैसा वैसा का भी डिमांड करता है का कि आवास, हम जैसे आप आवास मांगने गए तो पैसा वैसा भी मांगता है? हाँ मांगता है पैसा। तो कितना पैसा मांगता है? 4,000-5,000। ये देखिए, मतलब आप समझ सकते हैं, अभी भैया नहीं बताया लेकिन चाचा का कहना है कि 4 से 5 हज़ार रुपया आवास अगर आपको लेना है तो देना पड़ेगा। जैसे और पंचायतों में था सेम वही कंडीशन, यहाँ भी है। 4-5 हज़ार कौन मांगता है मुखिया जी? दूसरा वाला मांगता है, मतलब दलाल उलाल रखे हैं मांगे होंगे वाला। अभी दलाल सब मांगता है, मतलब घूमता है कि आपको घर चाहिए तो 5 से 10 हज़ार दीजिए, उसके बाद घर मिलेगा। हाँ। आप क्या करते हैं उसे? हम लोग काम का करते हैं? एखन हम लोग धान पीटते हैं। अच्छा, धान उन काटते उड़ते हैं? हाँ हाँ। और जैसे अभी धान का सीजन है, धान का मौसम है, इसके अलावा वो क्या करते हैं? जैसे अभी धान उन कट गया है, इसके बाद क्या कीजिएगा? वही लेबर काम करेंगे। अच्छा, रेजा कुली का काम करते हैं? हाँ। ये देखिए, रेजा कुली का काम करते हैं, आप समझ सकते हैं, इनसे भी अगर 5 से 10 हज़ार रुपया मांगा जाएगा तो आखिर ये कैसे आवास बनाएंगे, समझ सकते हैं आप? जो करीब एक दिन में कितना कमाते हैं आप? 2-2.5 सौ, मतलब समझ जाइए 5 हज़ार कमाने में करीब 20 दिन लगेगा इनको, उसमें खाना है, पीना है, रहना है, बाल बच्चे भी होंगे, तो समझ सकते हैं इनके पास न घूस देने का पैसा है, न इनका आवास बन रहा है। और बताइए, आप कुछ काम हुआ है जो मुखिया जी करवाए हैं आपके गांव में? आप तो कुछ काम नहीं करवाया है। अच्छा, कुछ काम नहीं करवाया है, तो आपके मुख्यमंत्री कौन है, जानते हैं मुख्यमंत्री के? वही है शिबू सोरेन और यहाँ हेमंत सोरेन, वही तो है। अच्छा, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन है, तो किसको वोट दिए थे आप? हम लोग तो वही शिबू सोरेन को। अच्छा, शिबू सोरेन के दिए थे, तो शिबू सोरेन के जीतले 2 साल हो गया है, आए हैं यहाँ कब? नहीं आया है, मतलब जीतना था तो यहाँ दौड़ दौड़ के आते होंगे, अब नहीं आते हैं। वो नहीं आता है, देख लीजिए आप लोग से मतलब पूरी पब्लिक जनता खफा है। देखिए, इनका कहना है कि जब जीतना था तो आए थे, लेकिन 2 साल हो गया है, यहाँ पे झक मारने भी नहीं आया है। क्या मतलब हेमंत सोरेन जी को क्या कहना चाहिएगा, बोलिए कुछ, उधर देख के बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, जो बोलना है बोलिए, आपको क्या चाहिए, मांगिए हेमंत सोरेन जी से। हम लोग घर, ये देखिए, मिलना चाहिए हम लोग को। इनका देखिए एक ही डिमांड है कि इनको घर मिलना चाहिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ मिलना चाहिए।